दोस्तों, अभी अभी हमने आपको दो माइंडसेट, दो सोच से जागरूक करवाया, और जिसमें से पहली सोच है जसिंडा आर्डन, जो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि हाउ अबाउट वी गो विद 4 डे वर्किंग. लागू नहीं हुआ, जस्ट अ माइंडसेट. हाउ अबाउट वी गो विद द 4 डे वर्किंग टू प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी नुकसान, भारी भरकम नुकसान हुआ है देश की अर्थव्यवस्था को. तो लोकल टूरिज्म का प्रमोट करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया, हाउ अबाउट वी गो विद द 4 डे वर्किंग, एंड पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट. एंड ऑन द अदर हैंड, इंडियाज लीडर्स, आई डोंट नो हु दे आर, बट हु सजेस्टेड दिस 12 आवर शिफ्ट. आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं बोल रहा ये गलत है या सही है, बट किसी ना किसी ने सजेस्ट किया कि हाउ अबाउट वी गो विद अ 12 आवर शिफ्ट, जहाँ पर ये माइग्रेंट वर्कर्स की जो हम बात कर रहे हैं आजकल, वो 12 घंटे काम करें, लेबर शॉर्टेज है. अब उसके प्रोज क्या होंगे, कौनस क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट इसके बारे में आपकी राय क्या है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कीजिए. आप क्या चाहेंगे कि आपके देश के वर्कर्स और फैक्ट्री में ये रूल्स जो चेंज होने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, या इसका माइंडसेट जो चल रहा है देश में, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये सही है, गलत है? क्या ये टेम्परेरी बेस के लिए भी सही है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? इसके भी काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस जो कि अभी मरा नहीं है, हमारा देश ऑलमोस्ट खुलने की ओर बढ़ ही रहा है, और हम बात करते हैं अपनी इम्यूनिटी के बारे में. जितनी इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग है, उतना आप सेफ है कोरोना वायरस से, राइट? तो जब कोई वर्कर 12 घंटे काम कर रहा है फैक्ट्री में, तो उसकी इम्यूनिटी लेवल कितनी रही होगी, आप इमेजिन करिए. और वहाँ पर अगर वो अटैक हो जाता है, तो कितना डेडली डेंजरस हो सकता है देश के लिए. थिंक अबाउट इट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यू. सो व्हाट आर योर व्यूज, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. एंड इज देयर अ वे आउट दैट यू कैन सजेस्ट समथिंग एंड हेल्प आवर कंट्री टू गो ऑन अ हायर लेवल आफ्टर कोरोना वायरस, ताकि हम भी उभर पाएं दूसरे देशों की तरह आफ्टर कोरोना वायरस. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय.